हेलो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं बताने आपको भरवा मिर्चा की विधि कैसे बनाते हैं। हरा मिर्च का भरवा मिर्चा और लाल मिर्च का, तो ये आप देख सकते हैं हमने हरा मिर्च ले लिया है और ये रेड मिर्च मैंने लिया है, जिसमें जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इसके साथ साथ रेडी कर रखे हैं। ये आप देख सकते हैं सौंफ, ये सौंफ है। इसके बाद है ये जीरा है, ये कलंजी मसाला जिसको आप मंगरेल भी बोल सकते हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये अमचूर पाउडर है, ये गोल्डी का अमचूर पाउडर है, आप कोई भी अमचूर पाउडर ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेथी हमने ले रखी है और साथ में हमने खड़ी धनिया को पीस के भून कर पीस के रखा है। इसको साथ साथ ये सारे मसाले हम जो है भून कर और पीसेंगे। पीसने के बाद हम इसको इस मसाले के इसको फिल करने के लिए इसमें रेडी रखेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो है लाल मिर्च मैंने लिया है, लाल मिर्च और भरवा मिर्च का मसाला हम अपनी मम्मी के हाथ का टेस्ट आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। हर सीजन में अचार बनाती हैं तो बहुत ही टेस्टी अचार बनाती हैं। ये मम्मी की रेसिपी है जो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये लाल मिर्च है, अब इसको सबसे पहले हम कट करेंगे ऊपर से। और उसके बाद इसके अंदर का ये जो आप देख सकते हैं अंदर का जो बीज होती है, इसमें सीड्स होती है, इसको चाकू के सहारे से निकालेंगे। ये जब बीज निकल जाएगी तो ये मिर्चा कुछ आपको ऐसा दिखेगा, खोखला एकदम, अंदर इसमें मसाला फिल किया जाएगा, ये एकदम ड्राई ड्राई खोखला दिखेगा। इसको इससे पहले हम धूप में सुखवाते भी हैं, धुल कर वॉश करके, सारे दोनों मिर्चों को वॉश करके धूप में इसको सुखाना पड़ता है, इतना सूख जाए कि अंदर की बीज आराम से ड्राई ड्राई होकर निकल आए। ये हम एक वन बाय वन करके सारा मिर्चा को ऐसे निकाल लेंगे, ये सारी बीज बाहर आ जा रही है। ये बीज इसके साथ मसाला, इसके बाद ये जो बीज है इसको मसाले में जो मसाला पीसा जाएगा, इस मसाले को पीसने के बाद हम इस बीज को उसमें मिक्स कर लेंगे। इसकी विधि हम आपको भी आगे दिखाते रहेंगे। ये पहले मिर्चा तैयार हो जाए। हमने मसाला लिया है जो मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें मसाला जो आपको दिखाया था वो सारा पीस के तैयार हो गया है। अब इसमें जो बीज निकाली गई थी वो डाल दी गई है और साथ में अमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और ये मस्टर्ड ऑयल बाउल में निकाल रखा है, मस्टर्ड ऑयल भी अब इसी में मिक्स करेंगे। सरसों का तेल, ये अच्छे से चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से हाथ से सानने में ही आसानी होती है, स्पून से उतनी अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, इसलिए ये सारा मसाला हम बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे। इसको जितने अच्छे से आप मिक्सअप करेंगे उतना ही टेस्टी और हर तरह से मतलब अच्छा अचार बनेगा आपका और टिकाऊ होगा। बहुत सारे लोग अचार बनाते हैं वो टिकते नहीं हैं, लेकिन ये अचार बहुत ही, मेरी माता जी जो बनाती हैं अचार, बहुत ही अच्छा बनता है और टिकाऊ भी होता है, क्योंकि और इसमें कोई भी बाहर से एसिड वगैरह का यूज़ नहीं होता है, सिंपल तरीके से बनता है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। अब हम इसमें ये जो खोखले मिर्चे रखे हुए हैं इसको इसमें फिल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना दिखा रही है मेरी मम्मी। आप इसको चम्मच के सहारे से अंदर की तरफ अच्छे से पुश अप करना है, जिससे कि सारा जो है मसाला अंदर तक नोक तक इसके पहुंच जाए। ये इस तरह से देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बारीकी से दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये पूरा मसाला इसमें फिल हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके सारा मसाला इसमें फिल कर लेंगे, सारे मिर्च को फिल करेंगे।
इसी तरह से हम लाल मिर्च के साथ साथ हरी मिर्च भी फिल करेंगे। इसको आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से ऊपर का मिर्चा कट कट के टी पीस की कट करके तब फिल कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको बीच से भी कट करके दिखाएंगे अभी हम आपको कि बीच से कट करके कैसे फिल किया जाता है। ये मिर्चा बीच से कट किया हुआ है, इसमें मसाला आसानी से फिल किया जा सकता है। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला अचार है ये, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रेडी करने में। ये सारा मिर्चा वन बाई वन तैयार होगा, उसके बाद इसको तेल में जार में रखेंगे। ये देख सकते हैं आप, अब हरी मिर्च भी हम इसी तरह से फिलअप करेंगे। बहुत ही आसान और साधारण तरीके से अचार बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके बाद इस तरह से इसको तेल में डुबोया जाएगा अचार को, इस मिर्चे को डुबो के इसको अलग रखना है। हाँ, डब्बे में डालते जाओ। अच्छा, इसको डिब्बे में फिर हम डालते जाएंगे, और उसके बाद 4 से 5 दिन इसको धूप में हमें रखना है, धूप दिखाना है, जिससे कि अचार परमानेंट बना रहे, खराब होने का डर नहीं रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये अचार बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको डिब्बे में पैक करके धूप दिखा लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 4 से 5 दिन तक इसको धूप में रखना है। और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये अचार टिकाने के लिए इसमें कोई भी एसिड का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।